ओके गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं, आज है संडे, नहीं सॉरी आज है सैटरडे। तो आज हम लोगों ने काम करवा लिया है, बट एक्चुअली वो ना ऐसे परमानेंट काम नहीं हुआ है, हमने बहुत टेम्परेरी बेसिस पे, अभी भी देयर इज अ लीकेज, टेम्परेरी बेसिस पे काम कर दिया, तो पीने का पानी आ रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, पर हमको मेन स्विच जो है ना वो बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो ऑन रख रहे हैं तो हल्का हल्का बहुत पानी नहीं लीकेज हो रहा है, बट हाँ ड्रॉप्स गिर रही है, वो हमको दिख रही है कि टाइल के अंदर से ही वो आ रहा है। सो अभी तो देखो मेन अभी इतना तामझाम फैलाने का कोई मतलब है नहीं हम लोगों को, क्योंकि इन भैया जो जिन्हें आए ना, इनको ये भी नहीं पता है कि हमारे यहाँ से कनेक्शन किधर से गया है, तो कुछ और का कुछ कर कुछ हो जाए तो मेरा ये पॉइंट है कि भाई जिसने काम किया है उन्हीं को बुलाते हैं उनको, क्योंकि पता है कि कनेक्शन, और वो गए हुए हैं गाँव, तो हमारा टेम्प्रेरी काम हो गया है, एटलीस्ट वी कैन गेट वाटर, कपड़े धुल सकते हैं, और बाकी दूसरा दो कनेक्शन है, एक ये कि दिन भर चलता रहता है और एक TMC वाला, तो TMC वाला हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं और कपड़े वपड़े धोने के लिए, तो उसका काम हो जाएगा, सो दैट इज सॉर्टेड नाउ। तो जब हम आ जाएंगे यहाँ पर प्रॉपरली तब फिर वो जिन भैया ने किया है उन्हीं से ही हम लोग करवाना प्रेफर करेंगे। तो आज हम लोग शाम को, एक्चुअली पहले निशार हम दोनों जाने वाले थे, फिर भैया ने बोला यार तुम दोनों क्यों जा रहे हो, हम अपन चारों चलते हैं, मतलब विक्की भी चलेंगे और भैया भी जाएंगे, तो हम चारों जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पर भैया हम लोगों को लेकर के जा रहे हैं, उन लोगों ने एक्चुअली भी थोड़े टाइम पहले नई गाड़ी भी परचेज करी थी, तो हम लोगों की ड्राइव भी हो जाएगी उसमें, हम बैठे रही हैं, सो वो भी देख लेंगे, एंड या तो वही हम लोग लेने के लिए आ रहे हैं, नीचे बस आते ही होंगे, तो हम लोग वही जाने वाले हैं। विक्की इज गेटिंग रेडी, एंड मोमेंट में रेडी होता है ये, है सुनील भैया और निशा की गाड़ी, चलो हाय बोल दो, हाय। Yes, मैंने कैमरा नहीं उठाया है, मेरे घर के पास ना एग्जीबिशन लगी हुई है, तो मैं जा रही हूँ, निशा जा रही है, आंटी जा रही है, एक और दीदी रहती है शायद वो भी जाएंगी, लेट्स सी। तो हम लोग वहीं पहुंचते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये है एग्जीबिशन, और नेक्स्ट डे ना यहाँ पर शूटिंग भी चल रही थी अक्षय कुमार की, तो पूरा बंद कर दिया था। सो एक्चुअली ये ना ऐसे लोकल एग्जीबिशन होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, कुछ तो बहुत यूनिक चीज़ें होती हैं, तो हम लोग वही सब देख रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे हुप्स आए हुए थे बट मैंने लिया नहीं, और सूट्स वगैरह भी बहुत अमेजिंग थे कॉटन के, बट हाँ थोड़े से आप नॉर्मल प्राइस से कंपेयर करोगे ना तो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है डेफिनेटली। तो ब्लाउजेज़ वगैरह मतलब बहुत सुंदर लगे, एवरीथिंग यू गेट एंड समटाइम्स यू गेट इवन अफोर्डेबल रेट पर भी, ऐसा नहीं है। फिर साड़ी वगैरह कुछ देखी, आंटी ने दो साड़ियाँ परचेस करी हैं, उसके बाद ये जो काफ्तान कुर्ता दिख रहा था ना ये मुझे बहुत पसंद आया था और बिल्कुल मेरे साइज़ का था, तो मैंने ये परचेस किया था, थोड़ा एक्सपेंसिव था, 1500-1600 का था, बट बहुत सुंदर लग रहा था मुझे ये। फिर कुछ बैग्स वैग्स भी थे यहाँ पर, एंड तो बस काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हम लोगों ने एग्जीबिशन में देखी, फिर हम लोग सब अपने अपने घर चले गए थे। गाइस, तो मैं कल आ गई थी और आने के बाद फिर मैं बेहोश हो गई थी, मतलब लैंड हो गई थी सीधे बेड पे। एक्चुअली हाँ, कल एक और चीज़ बताती हूँ, बहुत अच्छी बात बताती हूँ। सो क्या हुआ ना, कल मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनसे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, उनके हस्बैंड ना वहाँ पर एग्जीबिशन में गाना गा रहे थे, लाइव म्यूजिक चल रहा था, तो दो तीन लोग अलग अलग चेंज होकर के गा रहे थे, फिर एक सॉन्ग आया, तो मैंने निशा को ऐसी पूरी थी, मैंने कहा यार बहुत अमेजिंग गाना गा रहे हैं ना, हम लोग ऐसे ही झूम रहे थे, मस्त अच्छा म्यूजिक बज रहा था, एंड हम लोग थोड़ा उस तरफ गए, तो मैंने निशा को बोले यार ये तो मेरी वो है, यही रहती है, इनका उनके हस्बैंड है ये, एंड फिर हम लोग उनकी वाइफ से मिले, हर नेम इज कृष्णा, सो हम उनसे मिले, अच्छा लगा। फिर उनकी ना बेस्ट फ्रेंड थी, वो भी मेरी सब्सक्राइबर है, तो वो भी देख करके इतनी शॉक हो गई, फिर हम लोगों ने फोटोज वोटोज निकलवाए, एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम, हालांकि वो सिर्फ हम 5 मिनट के लिए खड़े हुए थे। सो वही है, एक और सब्सक्राइबर है जो उन्हीं की बिल्डिंग में रहती है निशा की, तो उन्होंने निशा को मैसेज किया था कि उनको मेरे से मिलना है, कोई बोला कि हाँ बिल्कुल बुलाओ बिंदास, मैं तो मिलने के लिए रेडी हूँ, तो अभी मैं उन्हीं से मिलने के लिए जा रही हूँ। सो या अभी जो शॉल लेकर के आई हूँ, मैंने पहना ये बहुत दिनों बाद ये शर्ट पहनी है, आई रियली लाइक दिस डेनिम शर्ट है ये, मैंने इसको आयन किया था बट ये फिर से वैसी हो गई है, हल्का सा लिनन एंड कॉटन फैब्रिक मिक्स है इसका, और ये वाला डेनिम पहना है। निशा के घर निकल रहे हैं हम लोग, तो अब हम जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, तो एक्चुअली उनकी छोटी बच्ची है तो वो आई नहीं है, हम जा रहे हैं उनके घर पे। तुम्हारा फ्लैट नंबर कौन सा? फ्लैट नंबर 3606। ओके, ये खुद भी नहीं जानती है, क्यों आप कैसे जानती हो फिर? आई एम यार चेयरमैन। अच्छा, चेयरमैन है, चेयरमैन की वाइफ है ये, ऊपर 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 कौन सा
ये नेहा के घर का व्यू है, 36th फ्लोर पे रहती है वो, एंड बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके भी मुझे। हाई एवरीवन, सो आज है, आज मतलब आज लास्ट डे इन मुंबई है, लास्ट नाइट इन मुंबई है, कल हम लोग निकल जाएंगे सुबह। एक्चुअली हम आज ही निकल जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेन में हम लोगों को टिकट नहीं मिली, हम लोग तत्काल ही कराते हैं क्योंकि डेट्स डिसाइडेड नहीं होते हैं लिए। एंड अभी जा रहे हैं क्योंकि अब आज, क्योंकि मैं ना बहुत टाइम बाद नहीं, मैं कब आई हूँ, 1.5-2 महीने बाद आई हूँ। तो मैं और निशा अभी हम लोग डिनर पर जा रहे हैं बाहर, शी हैज़ ऑल्सो वेरी लिमिटेड फ्रेंड, तो मैं आती हूँ तो वो थोड़ा घूम फिर भी पाती हैं, सो इसलिए अभी हम दोनों जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए, बातें करेंगे। ओके गाइस, सो आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस। वैसे तो हम लोग गए थे डिनर पे, बट वहीं सामने हमको वेस्ट साइड दिखा, तो हमने कहा चलो चक्कर मार लेते हैं। चक्कर मारते मारते हमारे चक्कर पड़ गए शॉपिंग के, तो बस उसके बाद फिर सीधे चले गए खाने के लिए, और टूट पड़े हम लोग खाने पे, बिकॉज यहाँ का खाना बहुत यमी होता है एंड मेरा तो फेवरेट ही होता है, लिटरली मुझे यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं। एक्चुअली हम लोगों, मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगी कहाँ पे, इतने पूरा काजल फैल गया यार, ये सेफोरा का काजल है सोचो, मैंने ख़रीदा नहीं था। मुझे जब मैं वो सेफोरा इवेंट में गई थी ना, तो सेफोरा वालों ने हमको एक लिपस्टिक दी थी, एक काजल दिया था और एक दो और चीज़ें दी थी यार, सीरियस भयंकर लेवल पर स्मज हो गया। हाय गाइस, तो हम लोगों का सब कुछ पैकिंग हो गई है, ये रहा सब पैकिंग, और निकलते हैं अब। तो अभी तो मुझे गर्मी लग रही है, यहाँ पर ही पहनने लायक नहीं, और वहाँ मम्मी बता रही है भोपाल में तो काफ़ी ठंड बढ़ गई है, ठंड भी बढ़ गई है और साथ में बारिश बारिश भी हो रही है पिछले 2-3 दिन से। तो यस, निकलते हैं वापस से भोपाल के लिए। तो रेलवे स्टेशन पहुँचने से पहले हम लोग वापस से चले गए थे अरोमा बिस्ट्रो, और वहाँ से हमने कुछ कुछ पैक कराया ट्रेन में खाने के लिए, और फिर हम लोग पहुँच गए रेलवे स्टेशन और बस बैठ गए फिर हमारी ट्रेन में। वहाँ पर हम लोग एक बड़े ही स्पेशल इंसान से मिले हैं, एक स्पेशल बंदे से मिले हैं, तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो अभी एक्चुअली हम लोग भोपाल जा रहे थे, एंड गेस व्हाट, जैसे आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग बिग बॉस देखते होंगे, जैसा मुझे पता है काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इस बार का बिग बॉस फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सो गेस व्हाट, मेरे साइड में कौन बैठा हुआ है, बिग बॉस की आवाज़ बिलीव नहीं हो रहा ना, ओके बताती हूँ। सो हाय, हेलो, बिग बॉस चाहते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग यथाशीघ्र इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सभी को यथाशीघ्र कन्फेशन रूम में बुलाया जाएगा, और ये हमारा आदेश है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मेरा नाम आशीष है, और जनरली मुझे बादलपुर का आशीष नाम से जाना जाता है, मैं एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, भोपाल से ही हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द नेम बादलपुर का आशीष। थैंक्स। हाई एवरीवन, सो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, आई थिंक मुंबई के बाद मैं डायरेक्टली आज आप लोगों से मिल रही हूँ। सो मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड्स लोगों से मिलने के लिए, दीक्षा एंड करिश्मा। सो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी बार मैंने बोला है कि मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ, फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ। सो अब आज मैं डिस्क्लोज कर सकती हूँ कि किसकी शादी हुई थी। तो हमारे इस फ्रेंड सर्कल में दीक्षा वॉज अनमैरिड, अभी दो और हैं, वो जब जब आएंगे, जब जब हम मिलेंगे उन लोगों से, आफ्टर मैरिज आते हैं ना सब अपने मायके आते हैं, तो एक के साथ मेरा रहना स्किप हो गया यार। एक्चुअली मैं उस टाइम पर मुंबई में थी, और मैं आने जिस दिन वाली थी ना, उसके 2 दिन डिले हो गया था मेरा मुंबई से आना, तो जस्ट उस दिन वो अपने बाहर निकल गई मतलब। तो अभी आई हुई है, ये भी कल जा रही थी वापस, मतलब कल ये वापस दिल्ली निकल रही है, एंड उसके 2 मंथ्स बाद शी विल मूव टू न्यूजीलैंड। सो हम लोगों ने सोचा फटाफट आज हमने, मतलब सुबह तुरंत डिसाइड हुआ और अभी हम सब मिल रहे हैं, हालांकि टाइमिंग्स का बहुत गड़बड़ हुआ है, ये दोनों ने बहुत लेट कर दिया है, तो मैं अभी मिलवाती हूँ आपको उससे। सो दीक्षा इज मैरिड एक्चुअली, और इस साल ऐसा हुआ है कि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी ना, एक को छोड़ के एक आध अभी बची हुई है बस, जो मेरा क्लोज वंस का सर्कल था उनमें आई थिंक एवरीवन इज मैरिड नाउ, एवरीवन, या एवरीवन इज मैरिड। 2020 में सभी लोग का कट चुका है, वेट कर रही हूँ मैं इन लोगों का, शार्प चार, मतलब हम लोगों का प्लानिंग था कि हम मिलेंगे 2:30 बजे, 2:30 से हुआ 3, 3 से हुआ 3:30, 3:30 से मैडम उन्होंने 4 कर दिया है, आके बोलेंगे हम बहुत दूर से आए। Hi guys, so I am vlogging with my phone right now, not iPhone, दूसरे फोन से मैं व्लॉग कर रही हूँ, इसलिए मैं इतनी चमकती हुई दिख रही होंगी। आई है ये, मेरे को 15 मिनट हो गए हैं। I hate people who literally, you know, actually hate people जो टाइम पे चीजें नहीं करते हैं, या टाइम पे नहीं आते हैं, या टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। एक्चुअली मेरे आसपास सब वही लोग हैं, सब, और मेरे खास लोग। हाँ, तो ये दोनों आ गई हैं और एक एक हील में पहन के आई हूँ, ये उठा उठा के इनको दिया सबको कि ये हमारी नई दुल्हनिया, लास्ट टाइम मिले थे तब तक ये अनमैरिड थी, नाउ शी इज इन मैरिड स्क्वाड। यस,
दीक्षा मस्त लग रही है तू, मेरे को अभी भी इसको देख के बिलीव नहीं हो रहा है कि शी इज मैरिड। बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग बैठे हुए थे, चिल मार रहे थे क्योंकि मैडम कल जाने वाली हैं, और फिर उसके बाद अब तीनों अलग अलग जगह पे हो गए हैं। yes. तुम लोग ना यही बात कर रहे थे कि यूजुअली होता है ना, लोग शादी हो जाती है, सब ऐसा बोलते हैं, लड़कियों की फ्रेंडशिप टूट जाती है, इतना आप मिल नहीं पाते हो। ये बंदी कल जा रही है, इसके पास टाइम नहीं है, बट उसने अपने टाइम को निकाल करके हम लोग मिलने के लिए आए हैं। तो हम तीनों शादी से बहुत पहले से फ्रेंड्स हैं। बेटा वेट वेट वेट, शांति, क्या चल रहा है? ये आतंकवादी हमारा, हम लोग को 8 years हो चुके हैं। 8 years, इमेजिन। और हम कैसे मिले? हम कोई स्कूल फ्रेंड्स नहीं है, हम कोई कॉलेज फ्रेंड्स नहीं है। हमारी जो फर्स्ट जॉब इसकी थी, मेरी सेकंड टाइम पास के लिए मैं 2 महीने के लिए आई थी। हाँ, लंबी टिकी थी। हाँ, बट मैं तो ऐसा लग रहा था इन दोनों को दोस्त बनाने ही आई थी। हाँ, मैं लिटरली right. मैं सिर्फ 1.5 मंथ और 2 मंथ में मैं निकल गई थी वहाँ से, टाइम पास के लिए आई थी। और जिस कंपनी में फिर मैं थर्ड वहाँ गई थी, वहाँ मैंने इसको खींच लिया था, बट इसकी फील्ड अलग थी तो ये नहीं आ पाई थी। तो हम तब से फ्रेंड्स हैं। मेक श्योर अगर हम एक ही जगह पे हैं, एक ही सिटी में हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम मिलें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत है, तीनों बहुत अलग है। बहुत, ये अगर नॉर्थ है तो मैं साउथ हूँ, और ये वैसे फिर भी हम लोग यानी मरते हैं मिलने के लिए। भी हम लोग हर चीज करते हैं। साले पिटे का तू है। तेरे बड़ा होके देखेगा ना क्लिप में। क्या लिटरली हम तीनों की पर्सनालिटीज और जब तक बहुत डिफरेंट होंगे तब तक भी चलेगी। मुझे ऐसा इंट्यूशन आता है। मुझे भी सेम। कितने भी बड़े हो जाए हम लोग, लेकिन अरे भाई मम्मा तुम सुन लो यार उसकी बात। तो निकल बाहर, गार्ड बुला रहा है। चलो चलो जाओ जाओ, पुलिस जाओ, अंकल क्या लेके आ रहे थे। हाँ तो बस, और क्या, हम मिले कैसे थे, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? फर्स्ट हम लोग तो उधर मिले थे। अरे उधर जो हम लोग फर्स्ट जॉब मेरे साथ जो था ना, हाँ मैंने सोचा था ये भी सिंधी है, बट ये सिंधी नहीं निकली। फर्स्ट टाइम मिली ना पंजाबी। बट रुचि मुझे पूरी सिंधी लगी थी, पूरी यानी फेस से नहीं, कभी ऐसे नहीं फिर भी समझ में आता था। मैंने पूछा था बस तुम सिंधी हो, ये हाय हेलो नहीं पूछ करके मुझे पूछे आए सिंधी हो। मैंने कहा भाई ये क्या पूछ रही है मेरे से। तेरी मम्मी भी इनफैक्ट मैं आंटी से बोल रही हूँ, आंटी से फर्स्ट टाइम मिली ना, तो आंटी का फर्स्ट रिएक्शन था कि ये सिंधी है क्या। पूरी खुली हुई है, लाइक एक बिल्कुल नहीं, लड़कियाँ आजकल कहाँ होती है ऐसी, मेरे को ऐसी होती है, अच्छी है, ओपन है, फ्रेंक है बहुत। ये आंटियों से मिलेगी तो ऐसे नहीं कि भाई वैसे, अच्छे से चिल मार के मिलती है बहुत, इसलिए लगता है कि मैं सिंधी हूँ। दीक्षा आती है तो दीक्षा बहुत सुमड़ी में घूमने इसके ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन ये था, मुझे बड़ी बड़ी अलग सी कूल सी लगी थी। मतलब मेरे फ्रेंड पर्सनालिटी में इसकी पर्सनालिटी जैसा कोई है नहीं। आई गॉट मैरिड, एक महीना होने वाला है 27 को, एक महीना अभी इसको पता नहीं चल रहा है, कल जा रही है और पता नहीं हमें कब मौका मिले ऐसे बैठने का, ऐसे मिलने नहीं मिलेंगे पता नहीं। शायद अभी तो 4 months है ना यहाँ पर, नहीं पर ऐसे जो साथ में बैठे हुए ना, आई डोंट नो वी नेक्स्ट कम यार। सीरियसली तेरा फर्स्ट इंप्रेशन रुचि का क्या था? साली ये बहुत गंदा बोलेगी, मुझे वाला पहले करते थे, मेरे को बॉन्ड अच्छी लगी। और ऐसा है कि हम लोग ना यूजुअली ऐसे बंदे नहीं है कि हम लोगों को हमारे टाइप का ही पर्सन चाहिए। इफ यू फाइंड कि पर्सन इज गुड एनफ विथ यू या फिर आपके साथ अच्छा चलेगा, तो आप उसके साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू करते हो। अदरवाइज फ्रेंडशिप कभी भी सिमिलर काइंड ऑफ लोगों में हमेशा नहीं होती है। हम लोगों में सबसे ज्यादा नॉटी भी रुचि थी, तो वो मसाला कम पड़ जाता था सब्जी में, क्योंकि करिश्मा भी काफी चुप चुप सी रहती थी। मैंने उसको ऐसे देखा था हमेशा बैठ के अपने फेस को ऐसे करती रहती थी, बालों को ऐसे करती रहेगी, और लिपस्टिक लगाती रहेगी, हमेशा लिपस्टिक लगाती रहेगी, और जॉब प्रोफाइल जहाँ हम लोग बैठे थे ना वहाँ पानी पीती रहेगी और वॉशरूम जाती रहेगी। पाउट बनाना नहीं आता था, इन दोनों ने मुझे पाउट बनाना से कहा, इसे बिल्कुल नहीं आता था। सही बोल रही, मैं बोलती थी मैं लिप्स कैसे करूँ यार।
she's very detail oriented. मतलब मुझे इतनी डिटेल अब याद आ रही है कि हाँ हम यहाँ करते करते थे कि साउंड बनाना उसको सिखाते सीरियसली याद आ रही है अरे वहाँ कैमरास लगे होते थे फोटोज खींचना अलाउड नहीं होता था याद है फिर भी मैनेज टू क्लिक पिक्चर्स लेते ये हम 5 साल बाद जब हम 10 साल बाद सोचेंगे ना तब हमको ये याद आएगा जो हम बैठे कर रहे हैं फोक टाइप ऑन कर रहे हैं इतनी जल्दी में आई थी 1 घंटे में भी या 3 घंटे से नहीं आज का प्लान जो था सिर्फ मॉर्निंग में वो उनसे मिलने जाना है उनका टाइम खत्म हो जाएगा और मैंने तो फोन भी कार में रख दिया पति की टांग टूटी और मैं तुम लोगों के साथ गाइस अब मैं जाती हूँ घर ये तोते का मुंह बंद करके तो निकलते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब मिलते हैं जब मिलेंगे तब व्लॉग जरूर करेंगे ओके गाइस बाय बाय।